सर अवार्ड शो में आए हैं फिल्म चीफ भोजपुरी अवार्ड, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा पटना में इस तरह के अवार्ड हो रही है, और हमारे जितने भी सुपरस्टार जितने भी कलाकार हैं सभी लोग उपस्थित हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, और सबसे मीडिया भाई लोग आप लोग उपस्थित हो तो मज़ा आ रहा है, अपना जगह है बिहार तो मज़ा आता ही है। सर कोई खुलासा करना चाहेंगे कि अंदर में क्या आपकी कोई फिल्में हैं जिसको लेकर अवार्ड नहीं दिया जा रहा है? अब पता नहीं, इन्विटेशन गया तो मैं आया हूँ, क्या है नहीं है मुझे पता नहीं। बॉक्स ऑफिस पर आपकी फिल्में आई, लोगों को खूब घुमाई, पिछले साल आपने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स करवाया था, तो क्या लग रहा है कि आपकी फिल्म को नॉमिनेशन होगा या फिर कुछ अवार्ड की उम्मीद किया जा सकता है क्या? पता नहीं, मुझे इनविटेशन गया है, क्या है नहीं है मुझे पता नहीं अभी तक, तो क्या मिल रहा है क्या नहीं है। अवार्ड तो ठीक है, अवार्ड से क्या है, फिल्में लोगों को अच्छी लगी मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, किसी न किसी भाई को मिलेगा। दो सुपरस्टार एक बार फिर से हाल ही में कोलकाता में नजर आए फिर से आपने, और अभी दोनों भाई का सगा होने वाला है, मिलन होने वाला है, झगड़ा तो नीजू जी झगड़ा कब था, सब परिवार है यहाँ पे, कहाँ कोई झगड़ा है, मिलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हो जाती है, यादव समाज अलग और जो राजपूत समाज है वो अलग झंडा लेकर घूमते हैं। नहीं नहीं नहीं, अलग वो चीज़ नहीं है, हमारे जितने कलाकार हैं सभी मतलब हम लोग मिलते हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, तो कोई आपसी रंजिश दुश्मनी नहीं है, प्रोफेशनली होता है वो जद्दोजहद होती है सिनेमा के लिए या गाने के लिए, तो अलग चीज़ है, लड़ाई की झगड़ा किसी में नहीं, सब भाई भाई है। लाल बाबू पंडित जी खेसारी जी के साथ तो फिल्म करते हैं, दर्शक प्यार भी देते हैं, पावर स्टार के साथ नजर नहीं आते हैं, क्या लग रहा है कि कुछ कम्बिनेशन बन रहा है? करेंगे क्यों नहीं करेंगे, मेरा भी सपना है उनके साथ काम करने, जरूर करेंगे। कौन में आपने किया? जी जुगल मास्टर जी। अभी आजमगढ़ में हमने शूट कम्प्लीट किया है, बहुत अच्छी सिनेमा है, बहुत सोशल मैसेज है सिनेमा में, शिक्षा के ऊपर है सिनेमा, तो मज़ा आया दिनेश सर के साथ काम करके, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। फिल्म चीफ अवार्ड को किस तरीके से देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को दोनों को जोड़ के ये जो समागम बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? एक ऐसी फिल्म्स और फिल्मची के द्वारा बहुत अच्छी पहल है, सबको एक इकट्ठा एक साथ यहाँ एक ही मंच पर लाने के लिए, तो मैं साधुवाद देता हूँ ऐसी फिल्म और फिल्मची को इसके लिए। आने वाली सर कुछ फिल्में जो लाइमलाइट में जल्दी बनती हुई नजर आएगी? हाँ अभी खेसारी जी के साथ है, बहुत जल्द फ्लोर पे जाने वाली है, दिनेश कल्लू जी के साथ है, दिनेश जी के भी साथ है, तो दो तीन फिल्में अभी लाइनअप है जो इस साल शूट होगी, तीन या चार फिल्में इस 2024 में शूट करेंगे। 2024 की सर कोई आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट जो 2023 में हमें देखने को मिली थी वो 2024 में एक बार फिर से देखने को मिलेगी? जब हम लोग कोई सिनेमा बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं तो हमारा ड्रीम ही रहता है, सिनेमा हमारे लिए, हम लोग सिनेमा जीते हैं तो हर सिनेमा हमारे लिए ड्रीम ही है, ड्रीम प्रोजेक्ट ही होता है। आज कितने एक्साइटेड हैं इस अवार्ड से? बहुत एक्साइटेड हैं। फैन से क्या कहिएगा सर फिल्मची के लिए? यही कहूँगा, पहले जब सिनेमा थिएटर में रिलीज होती है तो प्लीज़ आप लोग, मैं हर वक्त कहता हूँ सिनेमा हम लोग जब बनाते हैं थिएटर के लिए तो हमारे भोजपुरी ऑडियंस जो हैं, मैं यही गुहार करूँगा प्लीज़ आप लोग सिनेमा में फिल्म को पहले प्यार आशीर्वाद दीजिए, टीवी पे भी फिल्में हमारी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में प्रसारित हो रही है तो उनको भी प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी इंडस्ट्री। थैंक यू सर, थैंक यू।